Hey, hello KS family, you watching KitKTS and this is DKesh. Friends, आज हम बात करने वाले हैं Elon Musk की, जिन्हें real life Iron Man, Elon और Rocket Man के नाम से भी जाना जाता है. Elon Musk कहते हैं, अगर आपको कोई बड़ा काम करना है, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा motivation की ज़रूरत है. आपको उसमें बहुत ज़्यादा motivate होना पड़ेगा, वरना आप खुद को हमेशा दुखी करते रहोगे. इंसान तब बेहतर काम करता है जब उसे पता होता है कि उसका गोल क्या है, उसे क्या करना है और क्या अचीव करना है. ये बहुत ज़रूरी है कि लोग सुबह उठ के काम करने जाएं और उस काम को एंजॉय करें, तभी कुछ नया क्रिएट होगा. मेरी एक बहुत बड़ी गलती ये है कि मैं किसी की पर्सनालिटी पर ध्यान ना दे के उसकी प्रोडक्टिविटी पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ. Elon Musk कहते हैं, चलो कुछ नया सोचते हैं, कोई ऐसा कल्चर डेवलप करते हैं जहाँ लोग अच्छी सोच के अप्रिशिएट करें और फेलियर से ना डरें. हम सभी ऐसा भविष्य चाहते हैं जहाँ पहले से अच्छे लोग हों, चीज़ें पहले से बेहतर हों, ना कि ऐसा जहाँ सारी चीज़ें पहले से बदतर हों. किसी मुश्किल काम को करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया जाए. ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा लोग अच्छे रिजल्ट दें. चीज़ फेलियर एंड नहीं होती, फेलियर एक ऑप्शन होता है. अगर आप कभी फेल नहीं हो रहे हो, मतलब आप कुछ नया करने की कोशिश नहीं कर रहे हो. अगर किसी काम को करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाए, तो उस काम को ज़रूर कीजिए, भले ही सारी चीज़ें आपके अपोजिट ही क्यों ना हो. आप जो भी चीज़ बनाना चाहते हो, उसे बनाने के लिए मोटिवेट रहें, उसमें कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट करते रहें और लोगों से नेगेटिव फीडबैक ज़रूर लें. एक ही चीज़ है जिसका कोई मतलब है, और वो है ज्ञान के लिए प्रयास करना. पेशेंस बहुत बड़ी क्वालिटी है. ये कठिन ज़रूर है, बट मैं इसे सीख रहा हूँ. जब मैं कॉलेज में था, तो मैं हमेशा से सोचता था मैं उन चीज़ों को बनाऊँ और उन चीज़ों में शामिल हूँ जो इस दुनिया में बदलाव लाए, और आज मैं ऐसा कर रहा हूँ. अगर आप एक कंपनी बना रहे हो, तो ये केक बनाने की तरह है. बस आपको सारी सामग्री, सारी चीज़ें सही मात्रा में डालनी होती है. मैंने हमेशा से कुछ ऐसा क्रिएट करने की कोशिश की है जो दुनिया में असर डाले, जिसे लोग बहुत टाइम तक याद रखें. बहुत लंबे समय तक नाराज होने के लिए ये ज़िंदगी बहुत छोटी है. आपको कोई भी चीज़ सिर्फ इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो अलग है, बल्कि उसका बेहतर होना भी ज़रूरी है. कभी भी नई चीज़ें करने से मत डरो. मुझे लगता है ऑर्डिनरी इंसान से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम भी करवाया जा सकता है. जब कोई काम आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाए ना, तो आपको उस काम को जरूर करना चाहिए, भले ही सिचुएशन आपकी विपरीत क्यों ना. जब मैंने पेपाल बेचा था, तो मुझे 180 मिलियन डॉलर मिले थे, और इसमें से 100 डॉलर मैंने स्पेस एक्स पे लगाए, 70 डॉलर टेस्ला पे लगाए और 10 डॉलर सोलर सिटी पे लगाए. यहाँ तक कि मुझे घर के किराए के लिए पैसे उधार लेने पड़े. कोई भी प्रोडक्ट जिसे यूज़ करने के लिए मैनुअल की ज़रूरत होती है, वो प्रोडक्ट ख़राब है. काम करने में अपनी जान लगा दो. हर सप्ते 100 घंटे काम करो. जबकि सारे लोग 40 घंटे काम करते हैं, तब भी आप उन लोगों के मुकाबले वो सारी चीज़ें 4 महीने में ही अचीव कर लोगे जो उन्हें अचीव करने में 1 साल का टाइम लगता है. जब आप सवेरे उठते हो और सोचते हो कि आपका दिन बहुत ही बढ़िया होगा, तो आप सही होते हो. जब हेनरी फोर्ड ने सस्ती आरामदायक कार बनाना शुरू किया, तो लोगों ने उनसे पूछा, इन घोड़ों में क्या प्रॉब्लम है. तब भी उन्होंने रिस्क लिया और उस काम पे सफल भी हुए. अगर आप किसी कंपनी के को-फाउंडर या CEO हैं, तो आपको हर टाइप के कार्य करने चाहिए, उन कार्यों को भी जिसे आप नहीं करना चाहते. अगर आप उन जरूरी कामों को नहीं करोगे, तो आपकी कंपनी कभी भी सफल नहीं हो पाएगी. हमेशा ग्रेट प्रोडक्ट ही ग्रेट कंपनी बनाती है. अगर आप कुछ साल पीछे चले जाएं, तो आपको कुछ चीज़ें जादू की तरह लगेंगी, जैसे कि फ़ोन पे बात करना, हाई स्पीड पे कार में चलना या हवा पे उड़ना. कुछ लोगों को परिवर्तन पसंद नहीं होते, लेकिन ये चेंजेस हमारे लिए ज़रूरी होते हैं, इसलिए हमें इसे गले लगा लेना चाहिए. लोगों को सिर्फ उन्हीं चीज़ों में आगे बढ़ना चाहिए जिस चीज़ में वो एक्साइटेड हैं, क्योंकि उसी में वो सक्सेस अचीव कर सकते हैं और हमेशा खुश रह सकते हैं. Elon Musk कहते हैं, या तो मैं किसी चीज़ को होते हुए देख सकता हूँ, या तो मैं उसे क्रिएट कर सकता हूँ. सो फ्रेंड, ये सारी बातें Elon Musk के कोट्स हैं, उनकी सोच है. और अगर आप भी ऐसा सोच सकते हैं, तो आप भी वो सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं जो Elon Musk कर सकते हैं. सो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, अपने फीडबैक कमेंट पे बताओ, मुझे शेयर करो उन सभी के साथ जिन्हें ऐसे वीडियोस की ज़रूरत है. और अगर आप इस चैनल पे नए हो, तो सब्सक्राइब ज़रूर करना यार. और थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे. मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में. तब तक के लिए भारत माता की जय. वंदे मातरम. बी स्मार्ट, बी अवेयर.